की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ्लिपकार्ट से EMI पर कैसे अपना मोबाइल परचेज कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं किस्तों पे मोबाइल लें और उसको धीरे धीरे करके पेमेंट दें, तो कैसे आप फ्लिपकार्ट से अपना कोई भी मनपसंद मोबाइल कैसे ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे बहुत ही इजीली तरीके से लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी सीख सकें कि फ्लिपकार्ट से EMI पर कैसे मोबाइल परचेज किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं मुकेश, आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। EMI पर मोबाइल लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के ना जाइएगा ताकि जो जानकारी आपको पूरी मिल सके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप अपना फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जो भी आपका मोबाइल है या मॉडल है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। मान के चलिए MI का लेना है मुझे, MI पर आप लिख कर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ़र चल रहे हैं, जो आपको पसंद आए आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5G का भी फ़ोन आ चुका है। और फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलिए मेरे को ये वाला लेना है 128 GB, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर आपको ये सब चाहिए तो आप कर सकते हैं, या आपके फ़ोन में डैमेज या कोई भी हो सकता है तो आप लेना चाहते हैं। 1 ईयर के लिए 799 रुपये का है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर और एक्स्ट्रा चीज़ें लेना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं गाइज, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाता है। यहाँ पर आपका डिलीवरी एड्रेस आ जाता है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल का नाम मॉडल नंबर आ चुका है। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस दिया गया है, आइटम का प्राइस, डिलीवरी चार्ज फ्री है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है तो आपको नीचे आ जाना है, EMI पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं गाइस, यहाँ पर आपको अपना कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी बैंक का आपका कार्ड है, चाहे SBI का है, चाहे HDFC है, ICICI है, क्रेडिट इंडसइंड बैंक है, RBL है, SBI, जो भी है आपका, आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बैंक सिलेक्ट करते हैं गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप 3 मंथ का कराते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट 5382 रुपये कटेगी 14% पे। और यहाँ पर 6 मंथ का कटाएंगे, ये भी 14 पड़ेगा। 9 मंथ का भी करा सकते हैं, अगर 9 मंथ का कराते हैं तो 1857, 12 मंथ का कराएंगे 1818 का कराते हैं 985, और 24 मंथ का कराते हैं तो 765 रुपये आपके लगेंगे। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर डिलीवरी चार्ज फ्री है, पैकिंग चार्जेस आपसे 29 रुपये लिया जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक जो लेगी 370 रुपये लेगी, टोटल आपको 1574 रुपये पे करने हैं इंस्टॉलमेंट के तरह जैसे आप देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, मंथ ईयर, CVV कोड डालकर कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्ड का जो वो रहेगा, आपको कार्ड का सारा कुछ डिटेल भरने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, जो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद आपकी पेमेंट डन हो जाएगी और उसके बाद जो है आपकी इंस्टॉलमेंट हर महीने अपने आप ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप अपने मोबाइल को EMI पर परचेज कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।